जीवों में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। इन गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य नाभिक का होता है। ये जो गुण हैं इन्हें हम अनुवांशिक गुण और इसे अनुवांशिकता कहते हैं। अब बात ये उठती है कि नाभिक में ऐसे कौन से कण हैं। तो नाभिक में कुछ प्रोटीन भाग और जैव अणु होते हैं जो अनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। इन जैव अणुओं को हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, आरएनए और डीएनए। आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक अम्ल और डीएनए को हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। आइए डीएनए और आरएनए को और आगे समझें। रासायनिक संगठन। आरएनए और डीएनए में पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन युक्त क्षारक पाए जाते हैं। इन्हें समझें। पहला है पेंटोज शुगर, इन्हें राइबो शर्करा भी कहते हैं। आरएनए और डीएनए में विषम चक्रीय राइबो शर्करा पाई जाती है। आइए संरचना देखें। आरएनए में इसके चक्र के मध्य में ऑक्सीजन, चार कार्बन युक्त चक्र है। पहला कार्बन C1, C2, C3, C4। C2 पे विशेष ध्यान दें तो यहाँ OH पाया जाता है, इसलिए इसे हम राइबो शर्करा कह रहे हैं। डीएनए की बात करें तो डीएनए में भी विषम चक्रीय शर्करा है। देखें, चक्र के मध्य में ऑक्सीजन है। पहला कार्बन C1, दूसरा कार्बन C2, तीसरा C3 और चौथा C4 है। दूसरे कार्बन में केवल H जुड़ा है, यहाँ ऑक्सीजन बाहर निकल गया है, इसी कारण इसे हम डीऑक्सी राइबो शर्करा कहते हैं। डीऑक्सी से तात्पर्य बाहर निकलना, ऑक्सीजन यहाँ बाहर निकल गया है। इस प्रकार इनमें आरएनए और डीएनए में राइबो शर्करा पाई जाती है। दूसरा देखें, फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र है PO4-3-। संरचना देखें, फॉस्फोरस मध्य में है, चारों ओर ऑक्सीजन चार बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। ऊपर के ऑक्सीजन पर ध्यान देते हैं तो यहाँ पे ये द्विबंध द्वारा फॉस्फोरस से जुड़े हुए हैं। ये फॉस्फोरिक अम्ल के कारण ही डीएनए और आरएनए के नाम में हम अम्ल जोड़ते हैं। आइए नाइट्रोजिनस क्षारक पे ध्यान दें तो डीएनए में चार क्षारक होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। आरएनए में भी चार क्षारक हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। न्यूक्लिक अम्ल की संरचना, प्राथमिक संरचना। न्यूक्लिक अम्ल में आरएनए और डीएनए में न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड इकाई में नाइट्रोजिनस क्षार, पेंटोज शर्करा और फॉस्फोरिक अम्ल होते हैं। यदि हम फॉस्फोरिक अम्ल को हटा दें, केवल नाइट्रोजन युक्त क्षारक और पेंटोज शर्करा रहे तो इसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं।
न्यूक्लियोटाइड की इकाइयों में शर्करा इकाई के C3 से फॉस्फेट वाली इकाई जुड़ती चली जाती है और ये इस प्रकार DNA और RNA में पॉली न्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला बना लेते हैं। DNA के वॉटसन एंड क्रिक मॉडल में पॉलीपेप्टाइड के दो तंतु होते हैं जो कि विपरीत दिशा में अग्रसर होते हैं। द्विकुंडलित का पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला क्षारों के युग्मों के बीच हाइड्रोजन बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ये दोनों तंतु एक दूसरे के पूरक होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बंध विशिष्ट क्षार युग्मकों के बीच बनता है। एक तंतु का एडेनिन दूसरे तंतु के थाइमिन से दो हाइड्रोजन बंधों द्वारा बंधित होता है, जबकि एक तंतु का साइटोसिन दूसरे के ग्वानिन के साथ तीन हाइड्रोजन बंध के द्वारा बंधित होता है। चलिए आरएनए के बारे में अपने ज्ञान को थोड़ा और पढ़ाते हैं। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक जीव में केवल डीएनए जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देता हो। कभी कभी कुछ जीवों में आरएनए भी जो है वो जेनेटिक कार्य करता है। तो यहाँ पे हम इसी आधार पर इसे दो भागों में बांट सकते हैं, जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए। तो नॉन जेनेटिक आरएनए क्या हुए? जब डीएनए और आरएनए दोनों हैं उस समय क्या होगा? जो ये डीएनए है यही जेनेटिक कार्य करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है सूचनाओं को लेकर जाता है। इस समय आरएनए जो है ये नॉन जेनेटिक आरएनए कहलाएगा। इसका काम जो रहेगा प्रोटीन संश्लेषण या डीएनए के कार्यों को संपादित करना। इसके आधार पर हम इसे तीन भागों में बांट सकते हैं। आइए देखें, पहला है आरआरएनए, दूसरा है आपका टीआरएनए और तीसरा है एमआरएनए। आरआरएनए जिसको हम राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं, ये आरएनए इनका मुख्य काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना। दूसरे पे आइए, दूसरा जो है हमारा टीआरएनए। टीआरएनए का मुख्य काम क्या है कि ये क्या करता है? अमीनो अम्ल को एकत्रित करता है। यही अमीनो अम्ल आगे जाकर क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण में ये क्या करेगा? मदद करता है। इसमें मध्य में तीन क्षारों का एक क्रम पाया जाता है। ये क्रम जो है इसे हम क्या कहेंगे? एंटी कोडॉन कहते हैं। इस क्रम का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो जब एमआरएनए में पूरक बनता है, पूरक बनते समय यही जो तीन क्षार के क्रम है ये हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। अब आइए तीसरे में, जिसे हम कहते हैं एमआरएनए। इसके नाम से ही क्लियर है, इसे हम कहते हैं संदेशवाहक आरएनए। इसका काम क्या होता है? डीएनए से सूचनाओं को लेता है और सूचनाओं को राइबोसोम तक पहुंचाता है, जहां पे इन सूचनाओं को एनालिसिस करकर प्रोटीन संश्लेषण का काम किया जाता है। इन न्यूक्लिक अम्लों के जैविक कार्य को हम समझिए। आइए देखें, न्यूक्लिक अम्ल के अंतर्गत डीएनए तथा आरएनए हैं, जिसके कार्य कुछ इस प्रकार हैं। पहला, माता पिता के गुण जीन द्वारा संतानों में ले जाए जाते हैं। ये जीन डीएनए से मिलकर बने होते हैं, अतः डीएनए अनुवांशिकी वाहक के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा, डीएनए एंजाइम के निर्माण पर नियंत्रण रखता है। तीसरा, न्यूक्लिक अम्ल राइबोसोम में होने वाली
प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। चौथा, आधुनिक सिद्धांत के अनुसार आरएनए की मात्रा मनुष्यों की बुद्धि की तीव्रता बढ़ा देती है, जिससे उनकी स्मरण शक्ति भी बढ़ जाती है। डीएनए के कार्य। डीएनए रिप्लिकेशन और प्रोटीन संश्लेषण। पहला, रिप्लिकेशन। डीएनए का एक अद्वितीय गुण होता है कि वह स्वतः ही अपनी डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर सकता है। कोशिकाओं के लिए जीन संबंधी जानकारी डीएनए में क्षारक के ए, टी, जी तथा सी के क्रम में छुपी हुई रहती है। जब कोशिका विभाजन होता है तो डीएनए ठीक वैसी ही डुप्लीकेट कॉपी बना लेता है। अब विभाजन के पश्चात जो नई कोशिका बनती है उसमें डीएनए की वैसी ही संरचना होती है, इसे हम पुनरावृत्ति कहते हैं। डीएनए की दोनों पट्टिकाएं खुल जाती हैं। अब हर एक पट्टिका के साथ एक नई पट्टिका आकर जुड़ती जाती है, और चूंकि क्षारकों के द्वारा यहाँ हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रक्रिया बिल्कुल निश्चित होती है, इसलिए पुरानी पट्टिकाओं के साथ नई पट्टिकाएं भी ठीक वैसे ही संरचना देती हैं। दूसरा, प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोशिका के केंद्रक में स्थित डीएनए का कोड होता है। प्रोटीन संश्लेषण के दो पद होते हैं, पहला ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा ट्रांसलेशन। आइए पहले पद को समझें। ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए में क्षारकों का जो क्रम होता है उसकी नकल एमआरएनए में हो जाती है। डीएनए के डबल हेलिक्स का एक भाग खुलकर दो अलग हुई पट्टियों में एक एमआरएनए के संश्लेषण के लिए सांचे का कार्य करता है। राइबोन्यूक्लियोटाइड एकत्र होने का आधार क्षारकों की जोड़ी का सिद्धांत है। जैसे आरएनए में यूरेसिल यू, साइटोसिन सी, एडेनिन ए, ग्वानिन जी है। डीएनए में एडेनिन ए, ग्वानिन जी, थाइमिन टी, साइटोसिन सी है। जब एमआरएनए की पट्टी तैयार होती है तो डीएनए और आरएनए डबल हेलिक्स अलग अलग हो जाते हैं। संश्लेषित एमआरएनए वापस साइटोप्लाज्म में चला जाता है और डीएनए का मूल डबल हेलिक्स वापस बन जाता है। आइए दूसरे पद को समझें, ट्रांसलेशन। कोशिका के साइटोप्लाज्म में आरएनए और टीआरएनए के सहयोग से प्रोटीन संश्लेषण का निर्देशन करता है। इस क्रिया को ही ट्रांसलेशन या अनुवाद कहते हैं। कोडॉन। एमआरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड का एक विशिष्ट क्रम होता है जो कि एक कोड के रूप में होता है। यह उस क्रम को निर्धारित करता है जिसमें विभिन्न अमीनो अम्ल आकर संयुक्त होते हैं। इस प्रकार एमआरएनए के चार क्षारक ए, सी, जी तथा यू ट्रिपलेट के रूप में कार्य करते हैं। इन्हें कोडॉन कहते हैं। अब देखें, चार क्षारकों को कुल मिलाकर चार पे घात तीन लें तो
64 कोडान यहाँ पे संभव हैं। इनमें से 61 ट्रिपलेट कोडॉन विशिष्ट अमीनो अम्ल के लिए होते हैं। अब बाकी बचे हुए 3 जो कोडॉन हैं, UUA, UGA और UAG, इन्हें हम श्रृंखला समापन हेतु कोडॉन के रूप में जानते हैं। इन्हें हम नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं। चूंकि कुल 20 भिन्न अमीनो अम्ल होते हैं और ये अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक ट्रिपलेट संयोग करते हैं। चलिए उदाहरण देखें। ग्लाइसिन के लिए 4 ट्रिपलेट GGU, GGA, GGC, GGG कोड तथा फेनिल एनालिन के लिए 2 ट्रिपलेट UUU तथा UUC कोड होते हैं। इसी प्रकार ल्यूसीन के लिए 6, आइसोल्यूसीन के लिए 3, ट्रिप्टोफेन के लिए केवल 1 ट्रिपलेट संयोग होता है। mRNA अमीनो अम्ल के ज्ञान को tRNA की सहायता से करता है। अब चूंकि 61 ट्रिपलेट हैं, अब हर एक ट्रिपलेट के लिए 61 भिन्न tRNA होते हैं और ये सभी tRNA एक CCA ट्रिपलेट जो 3 टर्मिनल वाला होता है, जो कि एस्टर बंध द्वारा विशिष्ट अमीनो अम्ल से जुड़ा होता है। tRNA की एक लूप में राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट होती है, जिसे एंटीकोडॉन कहते हैं। ये mRNA के कोडॉन का पूरक है। mRNA का प्रत्येक कोडॉन tRNA के एंटीकोडॉन के क्रम संख्यानुसार पढ़ा जाता है और उसका मैच मिलाया जाता है। यदि मैचिंग होती है तो tRNA वांछित अमीनो अम्ल को राइबोसोम में बढ़ती पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पर स्थानांतरित कर देता है, और जब किसी विशिष्ट प्रोटीन का संश्लेषण पूर्ण हो जाता है तो स्टॉप कोडॉन समाप्ति का सिग्नल करता है। इस प्रकार संश्लेषित प्रोटीन राइबोसोम से मुक्त हो जाता है। DNA में ट्रिपलेट का क्रम ट्रांसक्रिप्शन, mRNA में ट्रिपलेट का क्रम ट्रांसलेशन प्रोटीन। DNA और RNA के अंतर को इस तालिका द्वारा हम समझते हैं। RNA एवं DNA में अंतर। DNA, RNA। पहला, यह सामान्य जेनेटिक पदार्थ होता है। यह कुछ वायरसों में जेनेटिक पदार्थ होता है। दूसरा, इनमें 2 सूत्र होते हैं। इसमें अकेला सूत्र होता है। तीसरा, इसमें डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। इसमें राइबोस शर्करा होती है। चौथा, इसमें एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एवं थाइमिन क्षार होते हैं। इसमें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। पांचवा, एडेनिन थाइमिन की क्षार जोड़ी होती है। एडेनिन और यूरेसिल की क्षार जोड़ी होती है। छठवा, पूरे अणु में जोड़ियां बनी होती हैं।
केवल हेलिकल क्षेत्र में जोड़ी बनती है। सातवां, यह केवल एक प्रकार का होता है। यह तीन प्रकार का होता है। आठवां, यह मुख्यतः क्रोमोसोम में पाया जाता है। यह नाभिक व साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। नौवां, जेनेटिक संदेश में प्रयुक्त होते हैं। यह संदेशों को प्रोटीन में स्थानांतरित करते हैं। दसवां, इसमें बहुत बड़ी संख्या में न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या कम होती है।